हेलो। जो वीडियो लेक्चर था केमिस्ट्री का, उसमें कुछ डाउट्स है। आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो। हाँ सर, आ रही है। हाँ बोलो। तो जो लास्ट जो वीडियो लेक्चर था केमिस्ट्री के, मैं कर रहा हूँ बात फिजिकल। वी हैव कंप्लीटेड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्चुअली पता है, मतलब मैं वीडियो लेक्चर तो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आ ही नहीं रहा कि तुम लोग को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तुम लोग कितना सॉल्व कर रहे हो, तो उस टाइम मुझे कुछ फीलिंग नहीं आ रहा। तो इट इज टोटली अपॉन यू, क्योंकि मिल नहीं सकते, मैं कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछ नहीं सकता। वी हैव गॉट लिमिटेशन। तो वीडियो लेक्चर में वो एक लिमिटेशन दिख रहा है कि मुझे ये मैं जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मालूम होता ही नहीं। जो लाइव लेक्चर होता है, तो उसमें एक्चुअली सामने फेस से समझ में आता है कि हाँ, किसको समझा किसको समझा नहीं। तो वो एक ड्रॉबैक मुझे दिख रहा है। तो देखो, तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ डाउट्स है थियरी पार्ट में। थियरी, हाँ नीरज बोलो। सर, हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था डिस्टिलेशन का, उसमें मतलब वो ड्यू पॉइंट तक पहुंचने के बाद आपने टाई लाइन बनाई थी, तो उसका मतलब ये है क्या कि उस टेम्परेचर पे जब वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और उस वेपर का कंसंट्रेशन वो जो आएगा टाई लाइन से वो है। राइट 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 वही है। उसका उसका मतलब वही है कि अगर तुमने एक्सिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तुमने किया ड्रॉ, हाँ तो फिर वो जहां पे, देखो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये वेपर इक्विलिब्रियम कर्व इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो हाँ सर, अगर मान लो ये ऐसा एक कर्व है, अगर इट इज एट कांस्टेंट पी पे है ये, तो कांस्टेंट पी पे है, तो फिर यहाँ पे ये तो तुम्हारा होगा वेपर फेज, ये होगा प्योर लिक्विड, ये लिक्विड प्लस वेपर। तो फॉर हाँ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वी हैव ड्रॉन विद द वैल्यू, वी हैव ड्रॉन विद द फ्री हैंड। तो ये अपना हाँ आता है ग्राफ। और ये जैसे मैंने उसमें कहा था कि ये जब तुम केमिकल इंजीनियरिंग जो कि मैंने किया है, तो उसमें ये कंप्लीट 4 मंथ का ये पूरा ये मतलब ये है, मतलब चैप्टर है एक्चुअली। यहाँ पे अपने को हाँ सिर्फ सर, आइडिया लेना है कि ये जो ग्राफ आता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल, हाँ सर, ओके। तो फिर यहाँ पे अगर मान लो कि कोई लिक्विड मैंने लिया, लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन मतलब इट इज 100% लिक्विड इज देयर, इट इज 100% लिक्विड, इसमें कोई अभी तक वेपर जनरेट हुआ नहीं है। तो फिर मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया इंक्रीज किया, और ये जाके जहां पे कट किया इस कर्व को, देख रहा है, हाँ तो इस कर्व को हाँ जहां पे सर, कट करेगा, तो उस इंस्टेंट व्हेन यू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जहां पे कट करेगा वेपर का जो लाइन है उसको, तो तुम हाँ यहां से सर, अगर ड्रॉप करते हो तो ये तो फिर वेपर फेज में ये एक्स ए और बी मान लो है, दो लिक्विड्स है, तो उसका वेपर फेज में कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो तुमको ये टाई लाइन शो मतलब करता है ये। तो फिर हाँ जब सर, फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर जनरेट होगा, तो इट इज कॉल्ड बबल पॉइंट बोलते हैं इसको, बिल्कुल, जो इन फर्स्ट ट्रेस ऑफ हाँ वेपर फॉर्म्स। हाँ सर, तो फिर जब फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर फॉर्म होगा, तो उस इंस्टेंट वेपर फेज में ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मीन्स मोल फ्रैक्शन यहाँ पे। तो इफ यू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये जहां पे इस कर्व को कट करेगा वेपर कर्व को, तो दैट विल सो वहां से यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर, सो दिस विल टेल यू कि यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी कितना है। हाँ तुमको सर, ये मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है ना? हाँ सर, हाँ, तो ये तो उसका मतलब वही है। और ये वेपर इक्विलिब्रियम कर्व कैसे आता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल फॉर एवरी लिक्विड, मींस व्हेन एवर हैव टू डू। एक्चुअली मेरा जो ट्रेनिंग था वो इंडियन ऑयल में था, और फिर जो मेरा फर्स्ट ये था ना जॉब, वो भी इंडियन ऑयल में था, मतलब आफ्टर फ्रॉम आईआईटी एक्चुअली, मतलब इन 2005, बट आई लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ। तो
इंडियन ऑयल में मतलब वहां पे हम लोग क्रूड ऑयल को ऐसे ही हम लोग करते, मतलब जिस क्रूड ऑयल का पहले आता था ना सैंपल, तो वी यूज टू फर्स्ट ड्रॉ इट्स वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व, सो दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट क्राइटेरिया वी यूज टू ड्रॉ. किसी भी लिक्विड को अगर किसी भी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को अगर पहले ये करना है, मतलब पहले उसको अगर उसको सेपरेट करना है, तो फर्स्ट जॉब वाज टू ड्रॉ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व, एंड उसके बाद वी डू द एक्सपेरिमेंट कि और एट विच टेम्परेचर, विच ऑप्टिमम टेम्परेचर दिस इज गोइंग टू गिव अस मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड. तो फिर यहाँ पे हम लोग वही मतलब करते थे, और तब तक एक्चुअली सॉफ्टवेयर भी आए थे, तो सॉफ्टवेयर में अगर हमने फीड किया तो अपने आप वो कर्व आता था, पर लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट फॉर ईच कॉम्पोजिशन वी यूज टू ड्रॉ की एट इक्विलिब्रियम हाउ मच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज एंड हाउ मच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इन द वेपर फेज. तो हम लोग को पहला काम यही होता था, और ये मेनली जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है ना वहां पे इसको यूज मतलब करते हैं, क्योंकि वहां पे पेट्रोल क्रूड ऑयल कंटेंस मेनी इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट लाइक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, तो वहां पे ये यूज हम लोग करते थे. तो फिर जब ट्रेनिंग और जब जॉब में था मैं, तब उस वक्त ये था फिर हम लोग को. हाँ सर. तो ये जो डायग्राम है दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब कुछ लोगों को क्वेश्चन आया कि ये किस तरह आ गया, तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल. यहाँ पे टोटल लिक्विड फेज व्हेन द फर्स्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, तो उस वेपर फेज में ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ करके वी ड्रॉ इट बाई अ फ्री हैंड, मतलब कुछ मतलब 5-6 पॉइंट्स लेके हम लोग ऐसे फिर फ्री हैंड से ड्रॉ हम लोग करते थे, एंड देन then we go for the further calculation. और कुछ सर, वो ड्यू पॉइंट पे वेपर्स को कंडेंसेट करते ना, तो फिर टेम्परेचर उस टाइम पे डिक्रीज होना पड़ेगा, तो फिर उस टेम्परेचर के पहले टाई लाइन बना के फिर हम उसका कंपोजिशन निकाल सकेंगे ना लिक्विड का. नहीं, अभी मान लो कि टेम्परेचर काफी हाई है, तो उस केस में जो सारे जो लिक्विड है दे आर इन वेपर फेज एंड आई स्टार्टेड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर हाँ. जैसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, मतलब व्हेन द फर्स्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड इज फॉर्मिंग, मैंने क्या किया, मैंने देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि मैंने सारा जो लिक्विड है उसको मैंने वेपर में कन्वर्ट किया, ठीक है, और वेपर में कन्वर्ट किया, तो ये जो है टेम्परेचर जैसे ही होल ऑफ द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर इट इज नोन एज योर बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे जब मतलब सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स एटमोस्फेरिक पी, तो दिस पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट. इसके ऊपर जो होगा वेपर दैट इज कॉल्ड सुपर हीटेड स्टीम. देखो ये मैंने वर्ड यूज किया था, सुपर हीटेड स्टीम. सुपर हीटेड स्टीम को अगर तुमको कूल करना है, ठीक है, तो यू हैव टू कम टू द बॉइलिंग पॉइंट, एंड इफ यू डिक्रीज टेम्परेचर फर्दर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट देन दिस सुपर हीटेड स्टीम विल कंडेंस. तो फिर यहाँ पे मैंने जो वेपर लिया, यहाँ पे एवरीथिंग इज वेपर फेज एंड टेम्परेचर इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है ये? तो उस केस में व्हेन आई स्टार्टेड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हेन द फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यू कॉल इट, एंड इट इज ऑल्सो boiling point of that liquid actually at that composition. उस composition में उस vapor का boiling point कब होगा, when the first dew point, मतलब जो dew point होगा that itself is called boiling point. तो फिर जब first trace of vapor form हुआ यहाँ पे,
तो फर्स्ट ट्रेस ऑफ सॉरी फर्स्ट ट्रेस जब लिक्विड फॉर्म हुआ तो व्हेन यू ड्रॉ अ टाई लाइन हियर, तो ये जहां पे कट कर रहा होगा ये जो लोअर वन इज लिक्विड वन, ठीक है ना, तो ये जहां पे लिक्विड कर्व को कट करेगा, फिर तुमने अगर ये ड्रॉ किया तो दिस पॉइंट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट. ठीक है तन्वी? हाँ श्रुति. सर मतलब वो, हाँ तन्वी बोलो. हाँ वो ड्यू पॉइंट पे ही मतलब सब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसा ना? नहीं नहीं, फर्स्ट ट्रेस, क्योंकि ये जो अपना जो ये जो रीजन है यहाँ पे, आई थिंक जो हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे, इस वाले सेक्शन में लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे ओनली वेपर, यहाँ पे लिक्विड. तो फिर जब हम इस रीजन में है तो यहाँ पे लिक्विड भी है और वेपर भी है, सारा वेपर यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा नहीं, इसलिए तो हम वर्ड यूज करें फर्स्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड जब फॉर्म हुआ. ठीक है सर. हाँ मतलब इस वाला, हाँ अगर इसके ऊपर है देन इट इज कम्प्लीटली वेपर, इसके नीचे है इट इज कम्प्लीटली लिक्विड, लेकिन इस रीजन में अगर हम लोग का कॉम्पोजिशन है फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब मैंने एक टेम्परेचर लिया तो उस टेम्परेचर से अगर वो इस रीजन में आ रहे हैं फॉर पर्टिकुलर कंपोजिशन, सो उस केस में वो लिक्विड भी होगा वेपर भी होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कर्व बोल रहे हैं, कि इसके बीच में लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, इसके ऊपर ओनली वेपर, इसके नीचे ओनली लिक्विड. हाँ ठीक है समझा सर. श्रुति बोलो. हाँ सर वो मतलब एक ही टाई लाइन पे बबल पॉइंट के नीचे मतलब जो कंसंट्रेशन है वो मतलब सॉल्यूशन का लिक्विड का कंसंट्रेशन होगा ना? और हाँ नहीं नहीं, ड्यू पॉइंट अगर तुमने टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज किया तब. हाँ यहाँ पे अगर तुमने बॉइलिंग पॉइंट से तुमने फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज किया कि जहां पे ऑल ऑफ द वेपर कन्वर्ट्स कंडेंस टू लिक्विड, तो फिर ये कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा. मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पे क्या कि हम लोग मान लो कि मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में सारे मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन है दैट इज इन वेपर फेज, ठीक है. अभी इसका मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज करते करते जैसे ही मैं बॉइलिंग पॉइंट पे आऊंगा तो फर्स्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू फॉर्म एंड सम वेपर विल बी देयर. तो ये जो लिक्विड फॉर्म हुआ उसमें ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो वो फाइंड करने के लिए वी यूज द टाई लाइन. ये हम लोग यूज करते हैं टाई लाइन की जब फर्स्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड फॉर्म हुआ. यहां तक था प्योर वेपर, जैसे इस कर्व के थोड़ा सा नीचे आएगा सम लिक्विड विल आल्सो फॉर्म्स एंड द सम वेपर विल एग्जिस्ट. तो यहां पे तुमने जो ड्रॉ किया लाइन, ये जहां पे कट करेगा लिक्विड वाले कर्व को, लोअर कर्व इज लिक्विड कर्व, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड कर्व, तो ये जहां पे कट करेगा तो दैट विल बी द कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट. और अगर तुम फर्दर तुम टेम्परेचर डिक्रीज करते गए करते तुमने इस लिक्विड को तुमने बाहर तुमने किया नहीं मान लो, ठीक है ना, इसको तुमने इसी में रखा, इसी कंटेनर में रखा और तुम टेम्परेचर तुम फर्दर तुम डिक्रीज करते गए तो होल ऑफ द वेपर विल कन्वर्ट इन टू लिक्विड. तो फिर यहाँ पे मान लो वेपर फेज में वाई ए और वाई बी था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे कुछ कम हो जाएगा, यहाँ पे कुछ अधिक, और फाइनली जब यही वेपर लिक्विड में होगा तो यहाँ पे ये एक्स ए एंड एक्स बी हो जाएगा एंड विच इज इक्वल टू वाई ए इक्वल टू वाई बी. डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म हुआ उसको मैंने सेपरेट किया,
उसको मैंने अलग कर लिया, तो इसको तुमने जैसे ही किया सेपरेट, तो अभी सिर्फ फिर से यहाँ पे आ गया वेपर है, तो तुम्हारे पास लिक्विड आ गया यहाँ पे। अभी फिर से तुमने इसका तुमने फिर से प्रेशर टेम्परेचर तुमने फर्दर किया डिक्रीज किया, हाँ तो फिर तुमने फर्दर इसका टेम्परेचर किया डिक्रीज, तो तुम अभी यहाँ पे आ गए मान लो। तो यहाँ पे जैसे ही आ गए, तो इफ यू ड्रॉ द टाई लाइन, तो ये वेपर कर्व को यहाँ पे कट कर रहा है लिक्विड कर्व को यहाँ पे, तो दिस विल गिव यू द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, दिस विल गिव यू द कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज। तो दैट डिपेंड कि तुमने टेम्परेचर कितना रखा है, अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट और जो लोअर जो अपना जो बबल पॉइंट टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बीच में टेम्परेचर है मान लो, है यार ये जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो ये मान लो कि इट इज योर बबल पॉइंट टेम्परेचर है ना टीबी, इट इज योर टीडी, तो अगर टेम्परेचर इसके बीच में है देन उस केस में लिक्विड भी होगा और सम पार्ट विल बी इन वेपर, दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो उस इक्विलिब्रियम पे लिक्विड में ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वेपर में ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द टाई लाइन। हाँ हाँ सर, वो जहाँ पे इसको कट करेगा उस पे। ठीक है सर, नेक्स्ट। कौन कौन है, अनिकेत आया है कि नहीं, आज भी नहीं आया, मजे कर रहा अनिकेत। बोलो तो फिर नेक्स्ट, और कुछ थियरी में डाउट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर ये इसी ग्राफ में, हाँ बोलो। हाँ सर, आपने ऐसा मतलब बोला था कि वो मतलब अभी एक टाई लाइन पे बबल पॉइंट से ऊपर एक्सटेंड किया तो एक दूसरा टाई लाइन होगा फिर, तो फिर वो ऐसे कुछ, तो थ्री वो समझ में नहीं आया, मतलब वो आपने क्या बोला था, वो थ्री स्टेज ना, थ्री स्टेज। अभी मान लो कि मैंने कुछ ऐसा लिया, इधर सब देखो थोड़ा, वैसे सब देख रहे होंगे क्योंकि सबको वीडियो देखने की आदत है। लेट्स से अगर मान लो ये यहाँ पे ये पी नॉट ए है, ये पी नॉट बी है, this is at constant pressure, so p naught b is greater than p naught a, theek hai, so means b is more volatile than a, to maine apne paas ek liquid means maine jo liya hai yahan pe a bhi hai, here we have got a and b both, okay, and isi ka jo vapor form ho raha hai to usme bhi a aur b hai, clear hai। तो लेट्स से टेम्परेचर इज मतलब ये जो वेपर और लिक्विड का जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे है, और लेट्स से मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो समझ में आएगा ये यहाँ पे है, सो दिस टेम्परेचर इज टी, इट इज इसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और जो बबल पॉइंट है उसके बीच में है, ठीक है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मतलब जो वेपर है मतलब वेपर जनरेट जो हुआ था उसको मैंने सेपरेट मतलब लिक्विड को मैंने अलग कर लिया, वेपर को मैंने अलग किया, तो यहाँ पे सिर्फ ए और बी का है वेपर है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ए और बी का लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ए और बी का जो वेपर है, तो फिर यहाँ पे तुमने एक टाई लाइन जो ड्रॉ किया मान लो ये, ठीक है, तो फिर तुमने मान लो कहीं से किया है शुरू, तुमने यहां से किया है शुरू, तो वेपर फेज में ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन यहां से आ जाएगा, इट इज लेट्स से एक्स बी, मतलब जो यहां से जो मैंने वेपर निकाले उस वेपर फेज में ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मोल फ्रैक्शन कितना है, वो मैंने यहां से कर लिया कि ये टाई लाइन जहां पे कट किया तो वहां से तुमको एक्स और एक्स भी आ जाएगा। हाँ। आ जाएगा। अभी इस वेपर को मैंने फिर इसका टेम्परेचर मैंने डिक्रीज किया, ठीक है,
और लेट से इसका टेम्परेचर ग्राफ ये हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है, मतलब इसको मैंने यहाँ पे कंडेंस किया, और लेट से ऐसा करते हैं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा अलग ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, फिर वहां से ज्यादा क्लियर होगा। ये ऐसा हो गया, मान लो मैंने यहां से किया शुरू, दिस इज एक्स ए, दिस इज एक्स बी, हियर ए इज जीरो, बी इज 100%। तो यहाँ पे मतलब ये लिक्विड फेज में है, ठीक है, अपने को क्या करना है, ए और बी का जो लिक्विड है, ए और बी लिक्विड अभी ये प्योरली लिक्विड फॉर्म में है, तो ए और लिक्विड का जो लिक्विड सॉलिड उसको मुझे सेपरेट करना है, ठीक है। टेम्परेचर कहीं तो यहाँ पे है, मतलब लिक्विड का जो है वो एक्स ए मीन्स कॉन्सेंट्रेशन एक्स ए और एक्स बी है, और दिस इज इन प्योर लिक्विड फॉर्म, तो याद होगा ये लिक्विड है, ये लिक्विड प्लस वेपर, ये है वेपर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, और टेम्परेचर इंक्रीज करते करते मान लो मैं इस बीच तक आ गया, यहाँ तक आ गया, मीन्स इसके ड्यू पॉइंट और जो बबल पॉइंट टेम्परेचर है उसके बीच में मैं आ गया, ठीक है। इसके बीच में जब ये आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट अभी लिक्विड में ही रहेगा और कुछ पार्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें से इस वेपर को मैंने अलग किया मैंने, और यहां से इस लिक्विड को मैंने अलग कर लिया मैंने, तो फिर जो लिक्विड अलग किया उसमें ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो इफ यू ड्रॉ द टाई लाइन हियर, तुमने टाई लाइन किया ड्रॉ, तो ये जो दिखा रहा है, तो अभी तुम्हारा ये एक्स ए हो जाएगा एक्स ए प्राइम, ये हो जाएगा एक्स बी प्राइम, ए इज 100% हियर, बी इज हियर जीरो। तो तुम देखो, तो जो इनिशियली लिक्विड में ए का कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो उसको जब मैंने वेपर में कन्वर्ट किया और फिर वहां से जो लिक्विड मैंने किया सेपरेट, उसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, बिकॉज आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन अभी इसमें ए का बढ़ गया कॉन्सेंट्रेशन, तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेज हो गया। तो फर्स्ट स्टेज में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हैज इंक्रीज्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हैज डिक्रीज्ड, बिकॉज यहाँ पे लिया है ए जीरो, यहाँ पे लिया है ए बी 100%, ठीक है। अभी फिर से यहाँ पे हम लोगों ने फिर से इसका थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका टेम्परेचर मैंने फिर से, मतलब ये जो लिक्विड है इसका मैंने टेम्परेचर फिर इंक्रीज किया, इंक्रीज करके मैं यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से जैसे इंक्रीज किया, तो यहाँ पे ए और बी लिक्विड भी होगा और कुछ वेपर फेज में भी होगा, ठीक है। तो फिर से मैंने यहाँ पे जो लिक्विड ए और बी है उसको मैंने अलग कर लिया, और जो जो अपना ए और बी था वेपर उसको मैंने अलग किया मैंने, तो यहाँ से जो है वेपर उसको अलग कर लिया, लिक्विड को अलग कर लिया। अभी यहाँ पे तुमने जो टाई लाइन ड्रॉ किया, तो देखो, तो यहाँ पे ये जहाँ पे कट करेगा, मतलब ये जो लिक्विड फॉर्म हुआ इसमें ए और बी का अमाउंट अभी यहाँ पे हो गया एक्स ए डबल प्राइम, दिस इज एक्स बी डबल प्राइम। तो अभी देखो ए का फर्दर कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड में इंक्रीज हो गया, फिर से इस लिक्विड को मैंने फिर से हीट किया, फिर से इसका टेम्परेचर मैं कहीं बीच तक लेके गया, ठीक है। और फिर से जो, तो फिर से यहाँ पे कुछ ये जनरेट हुआ वेपर और कुछ लिक्विड तो अभी है ही, तो लिक्विड को मैंने फिर से अलग किया, मैंने लिक्विड को मैंने सेपरेट किया मैंने यहाँ पे फिर से, तो जो लिक्विड को करेंगे सेपरेट, तो उसमें ए और बी का अमाउंट क्या हो जाएगा, इट इज एक्स ए ट्रिपल प्राइम और एक्स बी ट्रिपल प्राइम। तो देखो फर्स्ट स्टेज के बाद ए का अमाउंट बढ़ गया, फिर से सेकेंड स्टेज के बाद फिर से एक अमाउंट बढ़ गया, थर्ड स्टेज के बाद फिर से बढ़ गया, फिर से मैंने इसको हिट किया और फिर से यहाँ पे टाई लाइन किया ड्रॉ, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वी विल बी क्लोज टू 100% ऑफ ए। सो इट इज वन स्टेज, इट इज सेकेंड स्टेज, इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ स्टेज, सो इन फोर स्टेजेस वी विल सेपरेट ए फ्रॉम बी। तो
तो फिर जैसे ही ए और बी सेपरेट हो गया तो जो अपना वेपर आया था वेपर फेज में बी का अमाउंट ए से अधिक होगा क्योंकि बी इज मोर वोलाटाइल लेट से और ए इज मोर वोलाटाइल लेट से, तो जो अधिक वोलाटाइल होगा उसका वेपर फेज में अमाउंट अधिक होगा, जो लेस वोलाटाइल होगा उसका लिक्विड फेज में उसका अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा. सो इट इज कॉल्ड स्टेज वन स्टेज टू स्टेज. सो ये जो टाई लाइन है टाई लाइन इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट इन हाउ मेनी स्टेजेस दिस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड आइडियल. दिस ग्राफ इज फॉर आइडियल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, ये ध्यान में रखना. अगर नॉन आइडियल है तो उसके लिए मैंने आज ये किया है सिखाया है. हाँ सर. तो श्रुति तो इसको बोलते हैं स्टेजेस एंड टाई लाइन द नंबर ऑफ टाई लाइन. और कोई नितेश? हाँ सर. सर वो ग्राफ का यूज क्या है मुझे अभी भी नहीं समझा. ग्राफ का यूज ये है जैसे भी मान लो कोई तुम्हारे पास ए और बी लिक्विड का तुम्हारे पास सॉल्यूशन दिया है. हाँ. ठीक है और दे आर आस्किंग यू कि भाई इसको मुझे सेपरेट करना है. तो एक तो तुम्हारा मेथड होगा कि भाई तुम मींस ट्रायल एंड एरर से तुम ये करो सेपरेट. ठीक है. सेकेंड मेथड होगा कि अगर तुमको ए और बी का तुमको अगर ए और बी लिक्विड का अगर सेपरेट करना है तो यू शुड आस्क कि भाई आपके पास इसका वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व है क्या. और जनरली अगर है तो यू जस्ट ड्रॉ द कर्व. तो ये मैंने ड्रॉ किया कर्व सर. बट वो जो कर्व है वो आपने बोला वो एक्सपेरिमेंटल है. हाँ तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बार तो उनको करना ही पड़ेगा ना वो पूरा एक्सपेरिमेंट, तभी जाकर के उनको वो समझेगा. तो फिर उसका यूज और लोग फिर मतलब करेंगे और लोग. अच्छा सर तो फिर वो क्रूड ऑयल हर टाइम सेम थोड़ा ना रहने वाले, वो अलग अलग उसके थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही उसके कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह. तो इसलिए तो मैंने क्या कहा कि जब भी हम लोग थे जब उस जॉब में तो वहां पे जब भी न्यू कंसाइनमेंट आता था ना क्रूड ऑयल का तो पहला काम वही होता कि ड्रॉ इट्स वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व. अच्छा मतलब हर टाइम एक बार तो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता था ऑब्वियसली. और फिर इसमें फिर तो एक बार एक्सपेरिमेंट होने के बाद अगर किसी एक ने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो और लोग फिर उसका यूज मतलब करते थे उसके लिए. अच्छा. और इसके बाद देखो इसके बाद क्या है कि अगर और इसका तुमने यूज पूछा, यूज ये है कि अगर मान लो कि तुमने ए और बी का तुमने कॉन्सेंट्रेशन लिया तुमने ये मतलब ये लिक्विड. हाँ. ये लिक्विड प्लस वेपर ये वेपर. ठीक है. हाँ. तो तुमको यहाँ से पता चलेगा कि तुमको किस टेम्परेचर तुमको हीट करना है. अगर तुमने तुमने अगर तुमने लेट से तुमने यहाँ से और यहाँ तक हीट किया तुमने तो यू कैन नॉट सेपरेट देम. तो वहां से तुमको मालूम होता था कि फॉर दैट कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी व्हाट इज द बबल पॉइंट टेम्परेचर. सो यू हैव टू हीट दैट लिक्विड वेपर दैट लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन अबव द बबल पॉइंट और बिलो द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. अगर तुम ड्यू पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर तुम हीट करते रहे तो यू कैन नॉट सेपरेट देम. अगर तुम बबल पॉइंट टेम्परेचर तुम नीचे हीट तुम टेम्परेचर तुमने रखा तो यू कैन नॉट सेपरेट देम. We have to keep the temperature between dew point and bubble point. ठीक है. तो ये first होता था कि भाई कोई भी अगर liquid liquid है तो तुमको पहले पता करना है कि उसका dew point क्या है उसका bubble point क्या है. So for separation we have to keep its temperature between dew point and bubble point. It is first use. Second use कि how many stages it can be सेपरेटेड इन हाउ मेनी स्टेजेस. तुमने टेम्परेचर ड्यू और इसके तुमने कर लिया तो इन हाउ मेनी स्टेजेस इट कैन बी सेपरेटेड. एंड बेस्ड ऑन दैट वी यूज टू डिजाइन द डिस्टिलेशन कॉलम. एक्चुअली
जब अगर तुमने अगर विजिट करोगे बाद में, तो किया नहीं होगा तुमने कि वहां पे तुम देखो काफी ऊंचा ऊंचा काफी ये होता है मतलब कॉलम होता है, तो उस कॉलम में कितने स्टेजेस अपने को क्रिएट करने हैं ऐसे, तो दिस इज सो दिस इक्विलिब्रियम कर्व यूज टू डिजाइन द नंबर ऑफ ट्रेज इन द डिस्टिलेशन कॉलम. कि फॉर दिस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को अगर सेपरेट करना है तो मिनिमम इतना स्टेज तो होना ही चाहिए, इससे अगर कम हुआ तो यू कैन नॉट सेपरेट देम. तो दैट इज द यूज. मेन यूज वही है कि डिस्टिलेशन कॉलम का हाइट क्या होगा, और डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर एक्चुअली ऐसा होता था, जस्ट फॉर योर नॉलेज, यहाँ पे ऐसे प्लेट होते हैं, वहां पे इस तरह के प्लेट्स होते, मतलब ये इसका हाइट मतलब 20 मीटर 10 मीटर इतना हाइट होता है इसका, आ रहा समझ में? तो उसके अंदर ऐसे प्लेट्स होते हैं, तो ये प्लेट्स कितने ले हम लोग, तो उस प्लेट के डिजाइन के लिए अपने को दिस वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व इज रिक्वायर्ड. अच्छा, अभी जैसा भी तुम जाओगे इंडस्ट्री में ऑलवेज ऑलवेज कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वंस यू नो कि बिटवीन विच टेम्परेचर वी हैव टू हीट एंड फॉर विच टेम्परेचर विल हैव अ मैक्सिमम सेपरेशन, देन वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज वेरी लार्ज, एनर्जी कॉस्ट इज वेरी लार्ज. समझ में आ रहा है? तो बिकॉज ऑफ दैट दिस कर्व इज ड्रॉन कि फॉर विच टेम्परेचर वी कैन हैव अ मैक्सिमम मिनिमम स्टेज में अपना सेपरेशन हो जाए. सर, लेकिन इसमें तो हम लोग दैट इज द यू, इसमें हम लोग को जितने टाई लाइंस ड्रॉ करने हैं उतने कर सकते हैं ना, मतलब वो तो वो टाई लाइन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी यू हैव टेकन. नंबर ऑफ टाई लाइंस ड्रॉ डिपेंड्स कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी यू हैव टेकन. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने बीच में लेके आ गया, तो यहाँ से सिर्फ दो स्टेज में ये सेपरेट हो जाएगा, तो फॉर दिस कॉन्सेंट्रेशन फॉर दिस टेम्परेचर वील हैव जस्ट टू स्टेज. अच्छा, उसके लिए मतलब अगर और अगर वही अगर कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया एक्स एक्स बी का यहाँ पे हो गया, तो अगर यहाँ पे है तो वी नीड मोर स्टेजेस हियर. हाँ, तो अगर ए और बी का अमाउंट अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो व्हाट वी डू हम लोग उसमें और ए और मतलब ए का अमाउंट